Next question. Uh, question says sound waves travel at 350 meter per second through a warm air and at 3500 uh, meter per second through brass. Savale so, wavelength of a 700 acoustic wave uh, as it enters brass from warm air. Uh, will uh, option say decrease by a factor of 10, increase by a factor of 20. इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ टेन या फिर डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ ट्वेंटी बहुत सिंपल बट कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये बात अपने को डेटा पहले लिख लेते हैं ये बात अपने को दिया हुआ है कि वेलोसिटी इन एयर जो है वो अपने को दिए 350 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन मेटल ब्रास जो है वो अपने को दिए थ्री फाइव मीटर पर सेकेंड अपने को यहाँ पे लैमडा जो है वो दिया हुआ है लैमडा एयर वो है सेवन हंड्रेड ये आपने को दे रखा है सवाल ये यह कि यही वेव जब ब्रास में एंटर करेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी सेवन uh, हंड्रेड वेव सॉले सो ये आपने कोई बात पता है कि फ्रीक्वेंसी एयर जो है वो सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी इन ब्रास ठीक है या फिर मेटल में बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमेशा साउंड पे आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स पर डिपेंड करती है Uh, तो इस फ्रीक्वेंसी इन एयर को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन मेटल ब्रास डिवाइड बाय लैमडा इन ब्रास हमें बताना है लैमडा ब्रास वर्सेस इसका रेशियो क्या होगा तो विच uh, एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं लेमडा ब्रास विल बी इक्वल टू इसको दल ले आते हैं वेलासटी इन ब्रास डिवाइडेड बाय वेलासिटी इन एयर मल्टीप्लाइड बाई लैमडा इन एयर इसकी वैल्यू जो है इन ब्रास अपने को दे रखी है थर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय लैमडा एयर सो इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इन ब्रास विल बी इक्वल टू टेन टाइम्स लैमडा एयर सो इसका मतलब ये है कि अपनी वेलोसिटी जो अपनी वेबलेंथ जो है वो आपकी टेन पर टेन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ टेन वुड बी द राइट आंसर